खबर पाटना से। सांसद नकुल नाथ की उपस्थिति में कांग्रेस के प्रत्याशी नीलेश उइके ने भरा नामांकन फॉर्म। आज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नीलेश उइके ने अपने समर्थकों के साथ अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। आज 12 बजे सांसद नकुल नाथ एवं छिंदवाड़ा महापौर विक्रम अहाके के साथ सभी कांग्रेसी बड़ी संख्या में सावरगांव के भवानी माता मंदिर पहुंचे, जहां नीलेश उइके ने पूजा अर्चना की। उसके बाद पैदल ही गुजरी चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए तीनशेर चौक होते हुए भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ अनुविभागीय कार्यालय पहुंचकर नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को पूरा किया। यहां उन्होंने बताया कि हम अपनी जीत को लेकर पूर्णतः आश्वस्त हैं। कमलनाथ जी के वचन पत्र के अनुसार पिछले किए गए कार्यों को लेकर हम चुनावी मैदान में उतरे हैं। निसंदेह मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व विधायक जतन उइके, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वास कांबे, नगर पालिका अध्यक्ष संदीप घाटोड़े, जयंत घोड़े, नगर पालिका उपाध्यक्ष ताहिर पटेल, जे देवकांत मांडोगढ़ी एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नामांकन सभा में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे जिला के कार्यकारी अध्यक्ष गोविंद राय जी, विश्वास कांबे जी, हमारे छिंदवाड़ा से पधारे हमारे छिंदवाड़ा नगर निगम के महापौर विक्रम आके जी, और मेरे बाजू में खड़े मेरे छोटे भाई, और आपके वर्तमान के विधायक और आने वाले 17 तारीख को विधानसभा के प्रत्याशी नीलेश उइके जी मंच पर। मैं पूछना चाहता हूं, ये बात करते हैं उज्ज्वला योजना की, यहां कितने लोगों को 450 रुपए में गैस मिला? लेकिन दिसंबर महीने से हर घर में हर महीने आप लोगों को 500 रुपए में आपको गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। साथियों, आज मैं पूछना चाहता हूं आपके बिजली के बिल के क्या हाल है? बुरा हाल है? आज आपके बिजली के बिल आसमान को छू रहे हैं। आपको याद होगा पिछले चुनाव में हमने मध्य प्रदेश की जनता को वचन दिया था कि हम आपको 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देंगे। हमने अपना वचन निभाया और आपको 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी। इस बारी हम आपको वचन देते हैं कि 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ। खबर भारतवर्ष के लिए पाटना से प्रशांत माहुरकर की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।